जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार पर संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाती आई हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस बार भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने न्यायपालिका पर जम्मू कश्मीर में स्थिति का संज्ञान नहीं लेने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है कि 2019 में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद से जम्मू कश्मीर में विश्वास की कमी और अलगाव बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पीडीपी अध्यक्ष मुफ्ती ने पत्र जारी करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्रूरता की जा रही है और उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन न्यायपालिका की ओर से इसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान है, सरकार इनका उल्लंघन कर रही है। पीडीपी नेता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सैकड़ों युवा केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के जेलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में बंद हैं। उनकी स्थिति दयनीय है, पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा है और यहां तक कि देश के बाहर जाने से भी रोका जा रहा है। मुफ्ती ने कहा है कि इस परिस्थिति में आशा की एकमात्र किरण न्यायपालिका है, जो इन गलतियों को ठीक कर सकती है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा हो। घाटी से अक्सर 370 हटाए जाने को लेकर वो केंद्र सरकार पर हमलावर रहती हैं और एक बार फिर सीजीआई को पत्र लिख मुफ्ती ने सर्द मौसम में सियासत का पारा हाई कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।